खबर के प्रायोजक हैं बेकर्स बेक। आपके शहर में पहली बार बेकर्स बेक आपके लिए लेकर आया है एगलेस केक एंड फूड। आप किसी भी तरह का डिजाइन ऑनलाइन और 15 मिनट में केक तैयार करवाएं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, स्नैक्स, बिस्कुट, पिज्जा, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका पसंदीदा बेकर्स बेक नियर मंडी समिति रजवाहा रोड। बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर करें कॉन्टैक्ट 8791247। जनपद मुजफ्फरनगर में रोड की रोड पर स्थित पाल धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक आहूति की गई, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त्वेदी के निर्देशानुसार इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी मंडलों के कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। वहीं रोड की रोड स्थित पाल धर्मशाला में केशव मंडल की एक बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अंकुर सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता के गलियारे में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर की सभी विधानसभाओं में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष दिनेश पाल धनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पाल धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जिले के मंडलों के कार्यकारिणी की एक बैठक आहूति की गई, जिसमें कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अंकुर सैनी भी उपस्थित रहे। अंकुर सैनी ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। आपका नाम? दिनेश कुमार धनकर। किस तरह का कार्यक्रम आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी के आदेश अनुसार सभी जिले में रहने वाले मंडलों की कार्यकारिणी की एक बैठक चल रही है, जिसमें आज हमारे केशव मंडल मुजफ्फरनगर की एक बैठक हुई, जिसमें बैठक में सभी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी सभी मौजूद रहे और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विनोद चौहान जी और जिले के ओजस्वी महामंत्री अभिषेक रहेजा जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सचिन त्यागी जी, जिले में उपाध्यक्ष विजेंद्र पाल जी, हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी आदरणीय बड़े भाई अंकुर सैनी जी और हमारे मंडल के ओजस्वी मंडल अध्यक्ष कपिल त्यागी जी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकारिणी की एक मंडल की बैठक ली। किन बातों को लेकर चर्चा? ये आने वाले चुनाव के मध्य, जो 2022 का चुनाव आने वाला है, इसके मध्य सरकार की मतलब आगे के क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्या व्यवस्था रहेंगी, उसके बारे में एक बैठक हुई मंडल में।